समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने के संबंध में दिए गए बयान पर अपनी आलोचना जाहिर की है। नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राजनीतिक षड्यंत्र के लिए ओलंपिक होता तो केंद्र की सत्ता में बैठे लोग बिना स्पर्धा के ही जीत जाते। बता दें कि 29 वर्षीय फोगाट को 7 अगस्त को महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल मुकाबले से पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराया गया था। उन्होंने अपनी अयोग्यता के खिलाफ अपील दायर की है, जिस पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है। फोगाट के वजन की समस्या के लिए आलोचना झेल रहे आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा ने रविवार को स्पष्ट किया कि खिलाड़ी के वजन का प्रबंधन करना उसकी ही जिम्मेदारी है। उन्होंने आईओए के मेडिकल टीम पर हमले को अस्वीकार्य बताया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए द्वारा नियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनशा पादरीवाले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और ये पहलवान के कोच और सहयोगी स्टाफ हैं जिन्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए। आईओए ने रविवार को जारी बयान में इस बात पर जोर दिया कि कुश्ती, भारतोलन, मुक्केबाजी और जूडो जैसे खेलों में वजन प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रत्येक एथलीट और उसकी व्यक्तिगत कोचिंग टीम की होती है। अब इस मामले पर अखिलेश यादव ने न सिर्फ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर निशाना साधा है बल्कि केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय ओलंपिक संघ के महान योद्धा विनेश फोगाट के बारे में बयान कि खिलाड़ी के वजन और शरीर की जिम्मेदारी केवल उसके कोच और सपोर्ट टीम की होती है निंदनीय है। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या आईओए सपोर्ट टीम और कोच दोनों पर उंगली उठा रहा है। उन्होंने पूछा कि सपोर्ट टीम का चयन किसने किया और अगर जिम्मेदारी केवल कोच और सपोर्ट टीम की है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वहां क्यों भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर के कहा कि इस तरह के बयान एथलीट्स विशेषकर उन लोगों को हतोत्साहित करते हैं जो अपने कोच और सपोर्ट टीम के साथ ओलंपिक तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने इस बयान को विनेश फोगाट के प्रति अन्यायपूर्ण बताया। अखिलेश यादव ने लिखा, देश की जनता देख रही है और वो सब कुछ समझ रही है। अखिलेश यादव ने आगे अपनी पोस्ट में जोर देकर के कहा कि देश को उन लोगों की जिम्मेदारी उठानी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अखिलेश यादव ने राजनीतिक षड्यंत्र के बारे में अपने बिंदु को दोहराते हुए कहा कि अगर राजनीतिक षड्यंत्र का कोई ओलंपिक होता तो आज के शासक बिना खेल के ही जीत जाते। बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए अखिलेश यादव ने यह हमला सरकार पर ही बोला है। साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में विनेश फोगाट को टैग भी किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।